कुलभूषण जाधव यांच्या आई आणि पत्नीला पाकिस्ताननं दिलेल्या वागणुकीचा निषेध व्यक्त होत असताना सपा खासदार नरेश अग्रवाल यांनी मुक्ताफळं उधळली आहेत. संसदेतही या मुद्द्यावरून जोरदार गदारोळ झाला. तर परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज गुरुवारी संसदेत निवेदन देणार आहेत. कुलभूषण जाधवांवरून नरेश अग्रवाल बरळले. पाकिस्तानच्या लेखी कुलभूषण दहशतवादी, दहशतवाद्याप्रमाणेच वागणूक दिली. अग्रवाल यांनी तोडले अकलेचे तारे. अगर उन्होंने कुलभूषण जाधव को एक आतंकवादी अपने देश में माना है तो वो उस हिसाब से व्यवहार करेंगे. हमारे देश में भी आतंकवादी उत्साह ऐसे व्यवहार करना चाहिए. एकीकडे पाकिस्ताननं कुलभूषण जाधव यांच्या पत्नी आणि आईला दिलेल्या वागणुकीवरून देशभर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत, तर दुसरीकडे अग्रवाल यांच्यासारखे नेते अशा प्रकारे मुक्ताफळ उधळत चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करतायत. या प्रकरणी नापाक पाकिस्तानचा निषेध करण्याऐवजी नरेश अग्रवाल यांना आपण काय बोलतोय याचं भानही राहिलं नाही. त्यांच्या या विधानाचा भाजपनं खरपूस समाचार घेतलाय. ये जुबान उसी तरह की है जो कभी फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये भी वोट की खातिर इसी भाषा को बोल रहे हैं. ये शर्मसार करने वाली भाषा है. इससे नरेश अग्रवाल को देश से माफी मांगनी चाहिए. सार्वत्रिक टीकेनंतर मात्र अग्रवाल यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केलाय. कुलभूषण यादव के साथ साथ अन्य लोग भी जो जेलों में बंद है, उन सबके साथ सरकार को, सबके लिए सरकार को पाकिस्तान सरकार से कड़े रूप में बात करनी चाहिए. दुसरीकडे कुलभूषण जाधव यांच्या आई आणि पत्नीला पाकिस्ताननं दिलेल्या वागणुकीचे पडसाद लोकसभेतही उमटले. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी कामकाज सुरू होताच पाकिस्तान मुर्दाबादच्या घोषणा दिल्या. प्रश्नोत्तराच्या तासात पाकिस्तानचा निषेध करण्यासाठी सावंत यांच्या घोषणांना पाठिंबा दिला. जितनी निर्भत्सना करे उतनी कम होगी पाकिस्तान के बारे में. और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान पे विश्वास रखना ही गलत है. वो कभी इंसानियत नाम की चीज पाकिस्तान के पास नहीं है. संस्कृति नाम की बात पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान जीता है, जगता है, हिंदुस्तान की नफरत पे जगता है बस. आप उनके मंगलसूत्र और बिंदी से आप इतने घबराए हुए हैं कि उनको बेइज्जत करने के लिए जूते तक, कपड़े तक, बिंदी और कंगन तक आप उतरवा के आप क्या संदेश दे रहे हैं कि आप हिंदुस्तान की औरतों से भी इतने डर गए? इतनी बुजदिल और इतनी गिरी हुई पाकिस्तान हो सकती है? ये सारी दुनिया आज देख रही है. संपूर्ण देशात आणि संसदेत गोंधळ सुरू असताना पाकिस्ताननं पुन्हा एकदा कांगावा केलाय. जाधव यांच्या पत्नीच्या बुटात हेरगिरी करण्यासाठी वापरली जाणारी चिप होती, त्यामुळेच त्यांचा बूट जप्त करण्यात आल्याच्या बोंबा पाकिस्ताननं मारल्यात. मात्र पाकिस्तानचे सगळे दावे निराधार असून ते नक्की कुलभूषण जाधव होते का असा सवाल उपस्थित करत उज्ज्वल निकम यांनी या प्रकरणाला नवा ट्विस्ट दिलाय. ये मैं इस बात से हैरान हूं कि जिस तरह से व्यवहार पाकिस्तान के तरफ से उनकी पत्नी और उनकी मां के साथ किया गया, अगर वो चाहते थे कि सिक्योरिटी कारण है तो सिक्योरिटी की चेकअप के बाद उन्हें वो उनके गहने देने चाहिए थे. ये सिर्फ कोई उनका दो स्त्रियों का अपमान नहीं है. मैं तो समझता हूँ हर कोई भारतीय स्त्री का यह अपमान है. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पाकिस्तानच्या वागणुकीवर तीव्र संताप व्यक्त होतोय. पाकिस्तानला जशास तसं उत्तर द्यावं अशी मागणीही होती आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी सरकार काय भूमिका घेणार याकडे साऱ्यांच्या नजरा लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया.